हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से शिक्षणबाबा चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक नया अपडेट आया है जी और नीट के लिए, और ये अपडेट है टाइप ब्रेकिंग रूल के बारे में। ठीक है, तो टाइप ब्रेकिंग रूल क्या है और इसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं नए अपडेट के साथ, तो इससे पहले हम जान लेते हैं। और आपको जानना जरूरी है कि टाइप ब्रेकिंग रूल क्या है और इसे अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मान लो कि दो स्टूडेंट है और उनको सेम मार्क है। ठीक है, तो वहाँ पर ये टाई ब्रेकिंग रूल अप्लाई होता है। तो ये अप्लाई कैसे होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले बात करते हैं, फिर उसके अंदर क्या चेंजेस किए हैं, क्या अपडेट किया है वो बाद में बात करते हैं, है ना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी नीट की एग्ज़ाम आने वाली और जीई की एग्ज़ाम खत्म होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद जीई एडवांस की एग्ज़ाम होगी 3 अक्टूबर को। तो उसके बाद में होने वाली है काउंसलिंग प्रोसेस एडमिशन करने के लिए, कहाँ पे, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। ठीक है, और मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन करने के लिए मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस होती है। वहाँ पर 2-3 काउंसलिंग प्रोसेस अप्लाई होती है, और इंजीनियरिंग के लिए भी 2-3 काउंसलिंग प्रोसेस अप्लाई होती है सेंटर से, और स्टेट लेवल से उनकी खुद की काउंसलिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस हम अलग अलग सीरीज के अंदर, अलग अलग वीडियोज के अंदर पूरी स्टेप वाइज हम बताने वाले हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। यदि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है और अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके आपको अच्छे से आपका जो ड्रीम कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन लेना है, तो ये पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस देखिए, समझ के लीजिए और अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पार्ट होता है चॉइस फिलिंग वाला, जो कॉलेज फिल करते हो आप, आपका ड्रीम कॉलेज होता है आपके स्कोर के हिसाब से या फिर आपके रैंकिंग के हिसाब से। तो ये बहुत ही मेन पार्ट है चॉइस फिलिंग वाला। ये वीडियो हम स्टेप वाइज हम बताने वाले हैं, तो ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो हम अपडेट देने वाले हैं या फिर अलग अलग वीडियोज़ के अपलोड करने वाले, वो आपको सबसे पहले मिले और आप वो वीडियो देखो और काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर उसको अप्लाई करो। ठीक है, और ये कोई आपको दिक्कत आएगी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, नीचे हमारा मेल आईडी दिया है, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बैठते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, टाई ब्रेकिंग रूल के ऊपर। तो टाई ब्रेकिंग रूल क्या है ये बात करते हैं। तो टाई ब्रेकिंग रूल सिंपल सा रूल है, जो कि मान लो कि दो स्टूडेंट है और उनको सेम मार्क है, मान लो कि 100-100 मार्क है जी में मान लो और नीट में भी मान लो। ठीक है, जी एग्ज़ाम में भी मान लो और नीट एग्ज़ाम में भी मान लो, या तक कि जी एडवांस में भी मान लो। ठीक है, दो स्टूडेंट है उनको 100 मार्क है। तो अभी ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक को एक रैंक दे दिया और दूसरे को सेम रैंक दे दिया। अभी दो जन को एक रैंक तो नहीं मिल पाएगी, अलग बच्चे को अलग रैंक देना ही देना है। ठीक है, तभी तो उनका एडमिशन ठीक तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर होते हैं, उस फैक्टर के तौर पे इसको रैंकिंग दिया जाता है हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, जब कि दो स्टूडेंट को सेम मार्क होंगे, अभी अलग स्टूडेंट को अलग अलग मार्क होंगे, तो यहाँ पर टाई ब्रेकिंग रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए है जो कि सेम मार्क लाए हैं, है ना। अभी लाए हैं उनकी गलती नहीं है, लेकिन ठीक है, वहाँ पर उन्होंने एक अलग सा रूल अप्लाई किया, उसको टाई ब्रेकिंग रूल कहा जाता है। तो अभी 100 मार्क है दो स्टूडेंट को, तो वहाँ पर कैसे है उनका रैंकिंग दिया जाता है। ठीक है, एक्चुअल रैंकिंग तो पहले होता था कि 20-20 तक, ये पहले एज को देखते थे उनके, फिर अभी जीई का एग्ज़ाम है मान लो कि जीई कैंडिडेट है, फिर वहाँ पर उनका मैथ का मार्क देते थे, देखते थे, फिर फिजिक्स का देखते थे, फिर केमिस्ट्री, फिर उनका नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखते थे एग्ज़ाम के अंदर। वैसे ही नीट के अंदर उनका एज देखते थे, फिर आता है बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर उनका नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, सिंपल तौर पे माना जाए तो पहले उनका एज देखते थे। अभी मान लो कि 21 ईयर का बच्चा है, उसने जी और नीट की एग्ज़ाम दी। ठीक है, और 19 ईयर का बच्चा है, उसने भी जी और नीट एग्ज़ाम दी। अभी 19 ईयर वाले बच्चे को और 21 ईयर वाले बच्चे को सेम मार्क है, 100 मार्क है। ठीक है, तो अभी उन दोनों को रैंकिंग तो सेम नहीं दे सकते, इसलिए जो एज से बड़ा है उसको ऊपर वाली रैंक मिलेगी और जो एज से छोटा है वो उसको नीचे वाली रैंक मिलेगी। ये कब होता था, 2020 तक, है ना, पिछले साल तक होता था। अभी 2021 से ये इसके अंदर का जो एज वाला फैक्टर है वो रिमूव कर दिया गया है। अभी इसके अंदर सिर्फ फैक्टर माने जाएंगे, अभी मान लो कि जीई का एग्ज़ाम दे रहा है तो मैथ, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स माना जाएगा। ठीक है,
और जैसे कि और मान लो कि नीट का एग्जाम देने वाला है कोई कैंडिडेट, अभी वहां पर भी उनका सेम मार्क आ गया, तो वहां पर पहले बायो देखा जाएगा, बायो का मार्क देखा जाएगा, ठीक है, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, फिर उसने क्या गलती की, क्या सही दिखा, कितने आंसर सही दिए हैं, फिर कितने गलत दिए किए, वो नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स के ऊपर उसका रैंकिंग डिसाइड होगा, ठीक, नीट के एग्जाम के अंदर, जो नीट कैंडिडेट थे मेडिकल एडमिशन के, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपडेट था टाइब्रेटिंग रूल के अंदर, एक चेंजेस किया गया, सिर्फ एज फैक्टर होता है वो निकाल दिया गया, ठीक है, और बाकी के जो चार जो तीन सब्जेक्ट होते हैं, फिर नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, वो वैसे की वैसे ही है। तो ये खास तौर पर मुझे तो बहुत अच्छा अपडेट लगा, क्योंकि एज मैटर नहीं करता, ठीक है, नॉलेज के लिए। तो 21 ईयर वाले बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होगा ऐसे बता नहीं सकते, 19 ईयर वाले बच्चों को ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, ठीक है। तो ये अच्छा सा अपडेट आपको भी अच्छा लगा होगा, ठीक है, मुझे तो खास तौर पे अच्छा लगा है, आपको अच्छा लगा हो तो इस अपडेट के लिए लाइक कीजिएगा, फिर अपने फ्रेंड्स को पता चले और उनको भी इसके बारे में ज्ञात हो, उनके इसलिए उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आप कहाँ पर भी कर सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर या ऐसे व्हाट्सएप वगैरह कहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम अभी काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर अलग से सीरीज बनाने वाले हैं, स्टेप वाइज पूरा का पूरा, रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग, फिर वहाँ अलग अलग राउंड, फिर अपने जो फ्रीज और फ्लोट स्लाइड उनके बारे में पूरा डिटेल, ठीक है, फिर यहाँ तक कि आपका एडमिशन, यहाँ तक हम एक एक वीडियो हम आपको देते जाएंगे, इंफॉर्मेशन वीडियो, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और ठीक है, और ऑल पर ऑलो करना बिल्कुल ना भूल, ठीक। यदि आपको जानना है जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में तो ये वीडियो देखिएगा, सीएसएबी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानना तो ये वीडियो देखा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना है तो ये वीडियो देखिए, सिर्फ IIT का कट ऑफ देखना है तो ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियोज के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।